अस्सलाम वालेकुम आदाब स्टूडेंट, आप सभी का हमारे इस YouTube लेक्चर सीरीज़ में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। आज हम जिस टॉपिक पर गुफ्तगू करेंगे वो है थ्रॉटलिंग, या इसे मैनुअल स्ट्रांगुलेशन भी कहते हैं। स्टूडेंट ने अब याद रखिए, इससे पहले जो हमने पढ़ा था स्ट्रांगुलेशन तकनीक के ताल्लुक से, उसकी ही एक टाइप्स है ये, जिसकी उसकी तकरीबन 6 टाइप्स थी। अगर आपको याद हो तो उसमें पहला था लिगेचर स्ट्रांगुलेशन, दूसरा था मैनुअल स्ट्रांगुलेशन या थ्रोटलिंग, और तीसरा था मगिंग, चौथा था बॉन्सडोला, पांचवा था गैरोटिंग, छठा था पामर स्ट्रांगुलेशन। तो उसी की दूसरी टाइप्स है स्टूडेंट, मैनुअल स्ट्रांगुलेशन या थ्रोटलिंग। आज हम लोग इसी के बारे में ही पढ़ने की जानने की कोशिश करेंगे। तो आइए स्टूडेंट, पहले हम लोग जान लेते हैं इसकी डिफिनेशन क्या है, इसकी तारीफ क्या है, और तब फिर हमको समझना आसान हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि यहीं पर भी बता दिया, इट इज़ अ वायलेंट एक्सपाजियल डेथ प्रोड्यूस बाई कंप्रेशन ऑफ नेक मैनुअली। ये क्या है, ये एक्सपाजियल यानी तशद्दुद मौत है, जो कि इंसान अपने हाथ को किसी दूसरे के गर्दन के ऊपर रख कर जोर से दबा देता है, यानी इंसान के हाथ अपना इस्तेमाल करके और उसके किसी दूसरे इंसान के गर्दन को दबा देता है ज़ोर से, या तो कभी एक हाथ इस्तेमाल करता है या किसी या दो हाथ का इस्तेमाल करके वो ये अमल करता है। तो उसके बाद जो है क्या है, जैसे आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इसमें एक सिंगल हाथ का भी इस्तेमाल हुआ है, दो हाथ का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है इसकी डिफिनेशन। अब हम इसके असबाब की बात करें तो ये किस वजह से होता है, यानी कि किस असबाब मैंने किया, यानी जब किसी के साथ ये थ्रोटलिंग हुई, मैनुअल स्ट्रांगुलेशन हुआ है ना, उसको गलत दबाया गया, तो उसके किस सबब से क्या वजह होगी जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाएगी। तो उसमें नंबर एक है एक्सफेजिया फ्रॉम द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ रिस्पायरेशन। क्या है कि चूँकि वो सांस नहीं ले पाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक्सपेजिया हो जाएगा, हफ्ज़ तनफ़ुस हो जाएगा, और एक वजह ये भी होता है कि उसकी डेथ हो जाए इसी वजह से। या दूसरा क्या होता है कि सेरेब्रल एनोक्सिया, यानी कि जहन के जो टिश्यूज़ हैं उनको अंदर क्या है, उनको ऑक्सीजन ना मिले, जिसकी वजह से क्या है, ऐसे उसको इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि सर्कुलेशन जो होता है वो रोक दिया जाता है, क्योंकि हाथ दबाने देने, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है, इस वजह से एक सबब ये भी हो सकता है। तीसरा है वेगल इनिवेशन फ्राम द प्रेशर अनकरेक्टेड नर्व्स। जब आदमी हाथ दबाता है, गला दबाता है किसी का, तो उसकी वजह से क्या है कि जो करेक्टेड नर्व्स होती है, उसका फ्लेक्सेस जो होते हैं वो क्या होता है, इनिबिशन होते हैं, वेगल इनिबिशन, उनमें स्ट्राइक कैफियत लाक हो जाती है, और जिसकी वजह से क्या है कि वो इंसान को क्या है, डेथ हो जाती है, यानी कार्डियक, जब वेगल इनिबिशन होता है इसमें वेगस नर्व का इस्तेरारी कैफियत पैदा होती है, तो कार्डियक को जो है सडन जो है चोट पहुंचती है और कार्डियक अरेस्ट होता है, जिसके नतीजे में क्या इंसान की मौत हो सकती है। तो यानी स्टूडेंट ये तीन सबब हैं, तीन सबब के अलावा कभी तीनों एक साथ हो सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है कि बॉडी किस तरह है, यानी कि जो इंसान दबा रहा है वो जो बच्चा है या छोटा है या कोई बहुत पतला इंसान है, तो जाहिर सी बात उसके तीनों अमल हो सकते हैं, या कोई लहम शहीम होगा अगर उसको, या उसको मतलब ड्रिंक दे करके या कोई नशावर चीज़ मिला करके उसका गलत दबाया जाएगा तो इंसान को ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो इसमें हो सकता है तीनों अमल हो या कोई एक ही अमल हो, यानी कोई ना कोई तीनों में से एक असबाब हो सकता है स्टूडेंट। और स्टूडेंट ये तस्वीर आप देखिए, इसके अंदर सिर्फ यही बताने की कोशिश किया गया है कि जब ये कंडीशन होती है तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, है ना। एपिटेकियल हेमरेज देखिए, आइस के पास दिख रहे हैं, कंजेशन साइनोसिस एंड एपिटेकिया, ये माउथ के नीचे आ सकता है, फिर कार्डियक अरेस्ट, रिफ्लेक्सेस, थ्रो वेगस नर्व, कैरोटिड साइनोसिस, रेगुलर वेंस, कैरोटिड आर्टरी, वाइंड पाइप, ये सब सभी क्या होते हैं, यहीं पर ही होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जब ये दबा दिया जाएगा तो ये सब चीज़ें क्या है कि एक तो पहले जो सांस लेने की जो नाली है, ठीक है, लेरिंग्स है, वो सबसे पहले दबेगी, उसके बाद फिर उसके पीछे देखिए, और जब आदमी प्रेशर डाल इसके दबाएगा उसके साथ में जो है, ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट, रिफ्लेक्सेस जो होता है, वेगस नर्व है, कैरोटिड साइनसेस हैं, ये सब जुगुलर वेन है, इन सभी पर असर पड़ेगा और सभी को क्या है नतीजे में क्या इंसान की डेथ हो जाएगी। इसमें देखिए इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द नेक इन मैनुअल स्ट्रांगुलेशन, इसके अंदर स्टूडेंट यही बताया, यानी कैरेटरी साइनसिस जब प्रेशर पड़ेगा तो वेगस नर्व स्टिमुलेशन होगा, कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा, कैरेटर आर्टरी अगर ब्लॉक हो जाएगी अनकॉन्शियस इंसान हो जाएगा, जुगुलर वेन ब्लॉकेज होगी, कंजेशन एंड हेमरेजेस हो जाएगा स्टूडेंट, एयरवे ब्लॉकेज, ऑक्सीजन लैक हो जाएगा। तो यह था इस डायग्राम के अंदर जो रिप्रेजेंट किया गया है। अब आइए स्टूडेंट, इसकी हम लोग ऑटोप्सी की बात करते हैं, पोस्टमार्टम में, है ना, क्या क्या मिलेगा पोस्टमार्टम जवाहिर में या पोस्टमार्टम अपीयरेंस में, क्या क्या इसके अलामतें मिलेंगे उसके अंदर। तो सीधा सीधे क्या है कि एक्सपाइजिया का प्रेजेंट होना मस्ट है, यानी कि चूंकि एक्सपाइजिया ही चल रहा है ना, और ये जब एयरवे वगैरह जो एक्सटर्नल की एयरवेज वगैरह जब वो ब्लॉक कर दी जाएंगे तो एक्सपाइजिया लाक होना ही लाजमी बात है।
और करें इसके अलावा भी और चीज़ें मिल सकती हैं, जैसे इस साल के तौर पर फिगर में आप देखिए इसमें जो है मैनुअल किया गया, थ्रोटलिंग हुई है ना, ई और एफ और जी ये तीन पिक्चर्स हैं, जो कि ई फ्रंट व्यू है और एफ जो लेफ्ट लेटरल व्यू है और जी जो है राइट लेटरल व्यू। इसके अंदर दिखाया है कि जब इंसान का गला दबाया जाता है तो उसके अंदर क्या क्या है ना चेंज, उसके पोस्टमार्टम जवाहर तौर पर एक्सटर्नल क्या क्या तब्दीली मिलेगी उसके बारे में हम डिटेल बात करेंगे, लेकिन हम भी तस्वीरों के जरिए से भी समझ लेते हैं है ना कि ये जो है तीन तस्वीरें दिखाई गई हैं, एक तो फ्रंट व्यू है, लेटरल व्यू है और राइट लेटरल व्यू। उसके अंदर ये दिखाया कि जो इंसान होता है, एक तो इंसान जो अपने दबा रहा है ठीक है ना, तो उसका जो नेल है नाखून है वो क्या क्या लगेंगे, और इंसान जिसको दबाया जा रहा है ना, और जो विक्टिम है तो उसको क्या है कि उसके अंदर यहाँ खराश या ब्रूस है ना, या क्या करेंगे खदश लाहक हो जाएगा। अब स्टूडेंट इसमें दो टर्म इस्तेमाल हो रहा है, ब्रूस एंड एब्रेशंस। अब ब्रूस और एब्रेशन ये जो है आप इसको वुंड्स में इसकी डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि ब्रूस को रस भी कहते हैं और खदश भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जिल्द में किसी किस्म का तफरुक साल नहीं होता है ना, ब्रूस में तफरुक साल यानी किसी तरह ब्रेकेज नहीं होता है, अलबत्ता जिल्द के नीचे है ना टिश्यूज़ जो हैं उनके क्या जरानुद्दम की है ना हेमरेज की अलामत मिलती है, ये होता है स्टूडेंट ब्रूस का मफहूम। अब स्टूडेंट अगर हम लोग एब्रेशन की बात करें तो एब्रेशन मतलब जिसे खराश कहते हैं, इसमें क्या होता है कि ये वस्ती जख्म होता है ठीक है, दरमियानी जख्म होता है जो जिल्द की जो लेयर्स हैं है ना उनको नुकसान पहुँचता है, इससे बहुत मामूली मकदार में खून बहता है और ब्रूस के अंदर ये है स्टूडेंट की उसके अंदर खून नहीं बहता है और जो है वहाँ पर मार्किंग नीचे हेमरेज होने की वजह से वो क्या है कि एक अपीयरेंस होगा, लेकिन जो है इसके अंदर खून बहेगा नहीं, लेकिन ऑपरेशन के अंदर ये स्टूडेंट इसके अंदर खून बहता है, ये दोनों का फ़र्क है। जब इंशाल्लाह हम बूंड्स पढ़ाएंगे उसके अंदर आपको डिटेल बताएंगे दोनों का फ़र्क क्या होगा वो बताएंगे स्टूडेंट। अब स्टूडेंट ये बात करें तो ब्रूजिंग ऑफ द नेक जो आपके बताया ब्रूस है ना, तो ये जो इंसान इसके साथ में कर रहा है तो उसकी जाहिर बात है कि गर्दन को चोट लगेगी है ना, उसके गर्दन को पकड़ता है और ये चोट आमतौर से जो है सर्कुलर के अपीयरेंस हो सकती हैं या गहरा सुर के या जामुनी रंग के भी हो सकते हैं और इसका साइज तकरीबन 102 सेंटीमीटर तक हो सकता है। अब एब्रेशन ऑफ द यानी गर्दन पे अगर खराश हुई है ना तो उसमें क्या निकलेगा, द नेक एग्जामिनेशन विल शो फिंगर नेल मार्क्स विच कुड बी फ्रॉम बोथ असेल्ट एज वेल एज विक्टिम, यानी कि जो विक्टिम है और जो असेल्ट है दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश करेंगे है ना, और जो कातिल है मकतूल दोनों कोशिश करेंगे, भाई कातिल तो उसको कोशिश करेगा कि मारने के लिए तो उसके नाखून नेल लग सकते हैं, और मकतूल जो है वो अपने आप में बचाने की कोशिश करेगा तो बचाने के चक्कर में उसका हाथ को खींचने की हटाने की कोशिश करेगा तो उसके खुद के नेल खुद को क्या कर लग सकते हैं, ये है अब्रेशन ऑन द नेक। तो ये पोस्टमार्टम जवाहिर की जो है जो ज़ाहरी अलामत मिलेगी वो स्टूडेंट ये थी। अब स्टूडेंट हम बात करें कि इसका जो है अंदरूनी अलामत में क्या क्या मिलेगा, इसके अंदर क्या इफ़ एक्सटेंसिव प्रेशर इज़ यूज, अगर उसको बॉडी को है ना उस एरिए को पोस्टमार्टम करके देखा जाएगा तो उसमें भी लिखा है कि अगर बहुत ज़्यादा चोट लगाई गई है ना बहुत ज़्यादा कुव्वत शदीद लगाई गई तो उसके अंदर कह रहे फ्रैक्चर ऑफ द ग्रेटर कॉर्निया ऑफ हाइट बोन, हाइट बोन जो होती है ना जिसे अजम लामी भी कहते हैं। अभी ये डायग्राम नीचे आ रहा है स्टूडेंट, ये देखिए आप ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए फोर्स है अप्लाई किया गया तो ग्रेटर कॉर्नी जो होता है इसका है ना कॉर्न जो होता है वो फोर्स की वजह से क्या होती है ब्रेक हो जाता है टूट जाता है और फ्रैक्चर ऑफ हाइट बोन इन थ्रोटलिंग। तो इंटरनल जब एग्जामिनेशन किया जाएगा तो उसके अंदर ये हाइट बोन का क्या कह रहा है क्या ब्रेकेज मिलेगा यानी कि वो फ्रैक्चर मिलेगा टूट जाएगी वो टूटी हुई मिलेगी। अब आइए स्टूडेंट्स बात करते हैं इसका मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है यानी तिब्बे कानूनी अहमियत क्या है। ये अगर हम लोग इसमें बात करें कि सेल्फ थ्रोटलिंग, ऐसा नहीं होता कि कोई इंसान जो है खुद कोशिश करे कि अपने आप को गला दबा ले, ऐसा इसलिए नहीं होगा कि जब अगर माली दबाने की कोशिश भी करेगा तो अनकॉन्शियस हो जाएगा, जब कॉन्शियस हो जाएगा तो उसका ग्रिप रिलैक्स हो जाएगी और ग्रिप उसकी लूज पड़ जाएगी, फिर इंसान क्या है कि सांस लेने लगेगा और वो बच जाएगा। मोस्टली क्या कहते हैं होमोसाइडल, दूसरा बात करें दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट होमोसाइडल थ्रेटनिंग यानी कि यही चीज़ें कॉमन होती है, कॉमन मोड ऑफ द होमोसाइड एज द यानी कि किसी के कत्ल किया जाता है तो यही तरीका ज़्यादा अपनाया जाता है और ये जो है उन लोगों में ज़्यादा होता है जो खुद बच्चे होते हैं या बच्चे हुए या बहुत छोटे बच्चे हुए इन्फेंट्स हुए है ना या ऐसी वोमेन जिसके साथ क्या एसोसिएट विद सेक्सुअल रिजॉल्ट है ना उसके साथ जिनसे जाती की जाती है उसके साथ भी ये अमल किया जाता है या क्या हो सकता है ठीक है उसके लिए। लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई एडल्ट है ना और दोनों बराबर के हैं जो कातिल भी है और जो मकतूल है उनका तो क्या होगा कि वो एक दूसरे क्या करेंगे साइंस ऑफ स्ट्रगल आर यूजली प्रेजेंट, तो यहाँ पे साइंस प्रेजेंट मिलेगा यानी कि अब्रेशन और ब्रूजन मार्क्स मिलेंगे यानी अपनी आदमी कोशिश करेगा कि ये मुझे मार ना सके अपने बचाने के लिए हर तरह इम्कान हर वो कोशिश करेगा। लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि अगर उसको ये दे दिया जाएगा जैसे दवा दे दी गई है ना बेहोशी की दवा दे देगी या उसके
पीने के मशरूब मैद में और कोई और चीज़ ऐसी चीज़ मिला दी गया है ना जिससे क्या इंसान अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोशी तारी हो जाए, है ना, वो समझ सके क्या उसके साथ हो रहा है ना, तो एक कंडीशन ये भी हो सकती है। मोस्टली एडल्ट के साथ अगर ऐसे करते हैं तो फिर वो मुश्किल है कि वहाँ पे यहाँ के अब्रेजन और ब्रूज अगर मिले, लेकिन अगर वो इंसान होश हवाश में है उसके साथ ही अमल किया जाए तो बहुत मुश्किल है कि कोई इंसान उसको मार सके। अब फिर तीसरा स्टूडेंट बात करें, एक्सीडेंटल थ्रोटिंग सडन अप्लीकेशन ऑफ वन आर बोथ हैंड ऑन ए पर्सन थ्रोट डेमोस्ट्रेशन ऑफ अफेक्शन। ये कहने की कभी कभी ऐसा होता है कि एक्सीडेंटल क्या हो सकता है कि नहीं, हाँ ये भी पॉसिबल है। कभी कभी क्या होता है कि इंसान बैठा हुआ है ना, एक इंसान उसको ट्रेनर जो होता है उसको ट्रेन कर रहा है कि देखो आपको इस यहाँ पे नहीं दबाना है, ठीक है ना, ज़्यादा दबाएंगे तो आपका जो है कैरेटरी साइनस प्रॉब्लम आ जाती है, वेगल इनिबेशन हो सकता है और लैरिंग्स आपका एयर वे जो है वो डैमेज हो सकता है। तो एक आदमी इसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है, उसको छू करके बता रहा है, ठीक है, लेकिन भाई दबे अब वो उसको छूते बताते हुए है ना, और ये जोक में हंसी में से कर रहा है, ये अमल कर रहा था, लेकिन वो क्या हकीकत में हो गया, उसको काफ़ी देर तक दबी रह गई, जिसके नतीजे में क्या होता है ये एक्सीडेंटल है ना, ये थ्रोटलिंग हो सकती है, ठीक है। और एज अ पार्ट ऑफ द फिजियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में कॉल्स डेड ड्यू टू वेगल इनहिबिशन, कोई किसी को बता रहा था है ना कि वेगल इनहिबिशन से किस तरह से मौत होती है और उसको डेमोस्ट्रेट करके बता रहा था, और वाकई वो मजाक कर रहा था या कि ये कि जो है एक डेमोस्ट्रेशन था उसका, ठीक है, उसका ये नहीं था कि मतलब उसको मारना ही था, लेकिन उसके कंडीशन ऐसी पैदा हो गई कि वो काफ़ी देर तक जुगलर ब्रेन दबी रही है ना, और कैरेटरी साइनस दबे रहे जिसके नतीजे में उसकी सेरेब्रल एनेक्सोजिया हो गया और उसको ब्लड सप्लाई वेन को नहीं मिली और इंसान जो है डेथ कर गया। तो यदि छोटी स्टूडेंट जो है आपको छोटी से मालूमात जो कि मैंने जो एक टाइप्स थी उसकी है ना स्ट्रांगुलेशन की वो मैंने आपके सामने प्रेजेंट की, आप इसका नोट बनाइए और इसमें अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिए। ओके स्टूडेंट, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़।